हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसका सलूशन कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18 का फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स चलिए ये स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। टाइनी टॉयज लिमिटेड इशूड रुपीज 10 लाख शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज ₹10 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹40 पर शेयर एंड ₹10 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड ₹50 पर शेयर एंड ₹10 प्रीमियम ऑन फाइनल पेमेंट। ओवर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न्ड। इसका मतलब यहाँ तक तो ये समझ लग गया कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। इशूज वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। यहाँ से देखिए 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो कितना बचेगा, 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 बचेगा। 10,000 शेयर आपने इशू करने थे पर आपको एप्लीकेशन कितनी आई है, अप टू एक्सटेंट ऑफ 13,000 ज़्यादा आई हैं, तो इसका मतलब टोटल एप्लीकेशन 23,000 आई हैं। 10 तो आपने करना ही थे और 13 आपको एक्सेस आई, तो टोटल 23,000 एप्लीकेशन आई हैं। एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड फॉर ₹1,000 शेयर एंड एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर वर सेंट द लेटर ऑफ रिग्रेट। ऑल द मनी ड्यू ऑन द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्रीज बनानी है। ऑल्सो प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। तो चलिए बैलेंस शीट भी बना देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस बनाना पड़ेगा कि पूरा अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। एप्लीकेशन कितने की है, यहाँ पे एप्लीकेशन कितने की है 10 की, और अलॉटमेंट कितने की है 40 जमा 10 का, ठीक है जी। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है 50 जमा 10 का, ये कितना बन गया 100 जमा 20। तो ये क्या आ गया बच्चे, ये आपका कैपिटल का अमाउंट है और ये आपका प्रीमियम का अमाउंट है, ठीक है जी। और यहाँ से देखो आपको 10,000 शेयर से मल्टीप्लाई करना है सारा कुछ ये, बिकॉज आपके पास जो कैपिटल थी वो 10 लाख रुपए की है और 100 रुपए का एक शेयर है, तो इसे कट दो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार, तो 10,000 शेयर ही बचते हैं ना, 10,000 शेयर पूरे हैं, इसको आपको इशू करना है, ठीक है जी। इस हिसाब से क्लियर है बेटे। अब आपको मैं एक नया टेबल सिखाता हूँ, ये शायद आपके अपने अपने जब प्रैक्टिकल्स किए होंगे क्लास में तभी सीखा होगा, बुक में भी गिवन है, लेकिन मैं एक बार आपको मैं बताता हूँ। इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं समझना, इसको कुछ बच्चे उलझ जाते हैं कि इसको क्या लिखना है, इस टेबल को क्या लिखना है, आप लॉजिक और कॉमन सेंस समझिए। टेबल सिंपल लिखो, टेबल एडजस्टमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, कोई ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है कि इसका नाम क्या होगा। एडजस्टमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले सीरियल नंबर, सीरियल नंबर या कह लो या कैटेगरी कह लो, कैटेगरी कैटेगरी कितनी है 1, और उसके मैं एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ पे आएगा शेयर्स अप्लाइड, ये क्या आ जाएगा शेयर्स अप्लाइड, यहाँ क्या आ जाएगा शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा मनी रिसीव्ड, यह क्या आएगा मनी रिसीव्ड, और यहाँ आएगा अपोर्शनमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, कि एप्लीकेशन मनी जो आई है उसका करना क्या है, क्या शेयर कैपिटल पे कितनी जानी है, ठीक है जी, और शेयर अलॉटमेंट पे कितनी जानी है, कॉल्स इन एडवांस कितने हैं, ठीक है, और रिफंड में कितना जाना है, ठीक है जी। ये चीज़ आप देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास एक कैटेगरी बन रही है, वो कह रहा है अप्लाइड तो 12,000 है लेकिन इशू कितने के हैं 1,000, हिसाब बाद में बनाते हैं, पहले ये पूरा कर लीजिए। उसके बाद वो दूसरा कह रहा है कि 2,000 वालों को लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा, मतलब इनको कुछ भी इशू नहीं किया। और तीसरा क्या है, फिर कितना बचा, क्योंकि हमारे पास टोटल एप्लीकेशन कितनी आई 23,000 है और हमने इशू कितने करने हैं 10,000, तो यहाँ तो आएगा 9,000 और 14 में से ये बन गया ना 14, 23,000 एप्लीकेशन आई है ना आपकी, ठीक है, तो ये कितना आ गया अब 9,000 आएगा, तो 23,000 एप्लीकेशन आई हैं, 12,000 जमा 2,000 जमा 9,000, ये 23,000 एप्लीकेशन है, क्योंकि ये भी मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली है और ये भी बैलेंसिंग फिगर निकाली है। 9 वालों को 9 मिले हैं,
ठीक है बेटे, 9 वालों को क्या मिले हैं, 9000 शेयर मिले हैं, 12000 वालों को हमने सिर्फ एक दिया है। और वो कह रहा है कि एप्लीकेशन का मनी जो भी आया वो अलॉटमेंट तक ही पूरा करना है, उसके बाद वो सारा पैसा आपको रिफंड कर देना है। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बार मैं दोबारा वो आपको बता देता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाई टुवर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का जो पैसा ओवर बचेगा इसका और इसके डिफरेंस का, वो अलॉटमेंट तक का ही रखना है, उसके बाद का पैसा रिफंड कर देना है। और मनी रिसीव्ड कितने आई एप्लीकेशन पे, 10 रुपये के हिसाब से, तो इसका मतलब आ तो गया 120000, कितना आ गया 120000, बट आपने एडजस्ट कितना करना है, सिर्फ 10000 ही कर पाएंगे। और अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट 50 रुपये की है, 50 का भी तब कितना आया, 50000 आया ना, इससे ज़्यादा तो नहीं रख पाओगे ना 50 को 1000 से ज़्यादा, तो अब 60000 एडजस्ट हो गया, 60 बचा हुआ है, तो ये 60 हमें रिफंड कर देना पड़ेगा। ठीक है, उसी ने बोला था कि अगर जितना पैसा रिसीव हुआ है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद जितना भी पैसा एक्सेस बचेगा वो रिफंड कर देना है। उसको शेयर कितने इशू किए हैं, 12000 जिसने अप्लाई किए थे, 1000, इसका मतलब उसके पैसा तो हमें कितना आया था, 120000, 10 से मल्टीप्लाई करके। एडजस्ट कितना किया था एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल पे, 10000 का। अलॉटमेंट मैक्सिमम कितने रुपए किया, 50 की, 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करो मैक्सिमम 50, तो 60 ही एडजस्ट हो पाया, बाकी रिफंड कर दिया। तो इस केस में हमारे पास पैसा कितना आया, 20000, इस केस में पैसा कितना आया, 20000, क्योंकि 2000 × 10 करके आया, पर इसको शेयर कोई नहीं दिया, इसका सारा पैसा क्या कर दिया हमने, रिफंड कर दिया। ठीक है जी, अब तीसरा कैटेगरी है, 90000 आया, हाँ जी, और 90 का 90 ही हमने किस में एडजस्ट कर दिया आपका पैसा, ये बोलिए, शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये आ गया 14 और 9 23, अगेन ये 230000 ये बन गया। अब इसी का ये हिसाब हमें बनाना होता ना, ये 230000, ये देखिए ये 100000 है, ये 50000 है, और ये 8 है, इस पर तो कुछ भी नहीं गया। ठीक है, 8 × 5 = 13 और 1 = 23 बन गया 230000। ठीक है, ये 230000 का इसी की अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। बहुत आसान टेबल है, इसको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, आप स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से इसको खुद बना के देखिए, बहुत ईजिली आपसे ये टेबल बन जाएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब हमें इसमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज देखिए, यहाँ सीरियल नंबर ये आएगा, पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। तो सबसे पहले एंट्री जो आएगी वो आएगी, ध्यान से देख लीजिए, कैश बुक तो नहीं बोला ना, हाँ सिर्फ नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ही बोला, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये आएगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और कितने से, 23000 से, 23000 × 10 करके 230000 आ गया। और यहाँ लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 230000। तो इस पे हम क्या करेंगे, लाइन दे लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, जो एक्सेस है वो उधर डाल देंगे, अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब इसका कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये जो पीछे हमने डिटेल बनाई है उसी का ही। अब कैपिटल पे कितना पैसा बनाया था, 100000 रुपया, और अलॉटमेंट पे कितने पैसे एक्सेस आए थे, 50000, को यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। और इधर रिफंड कितना किया, 80000, रिफंड कितना किया था आपने, 80000, तो 80000 यहाँ से हम ये कर देंगे, तो ये आ गया 230000। बच्चों समझ लग गया, इस यही 230000 का हमें हिसाब बनाना था। यहाँ लिख दीजिए बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हमें किसकी एंट्री करनी है बेटे, अलॉटमेंट ड्यू करने की। चलिए अलॉटमेंट ड्यू करिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम
अकाउंट। तो अलॉटमेंट अब तो जो भी करना है 10,000 से करना है, और ये 40 रुपये का है, और ये 10,000 × 10 रुपये के हिसाब से है ना। तो यहाँ पे आएगा 10,000 को 40 से मल्टीप्लाई करके ये 4,00,000 आ गया, और 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके प्रीमियम आ गया 1,00,000 रुपये का। तो यहाँ पे कितना आ गया, टोटल 5,00,000 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, ठीक है जी, ये यहाँ पे कट आ गया पूरा जी। ओके, अब इसमें क्या है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें दिक्कत के क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट में आ गई 50,000 रुपया, ये आपको आ चुका है ना, जिसकी एंट्री आप यहाँ भी कर चुके होगे, तो पैसा एडवांस में ही आ गया था, एप्लीकेशन के वक्त ही एडजस्ट कर लिया था। तो अब ये 50,000 कम आएगा, तो ये हो जाएगा 4,50,000। अब कितना आएगा पैसा, 4,50,000। तो यहाँ लिखेंगे बींग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कोई पैसा ओवरड्यू या कॉल्स इन एरियर का नहीं था, पैसा खत्म मतलब यूटिलाइज सारा पूरा हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री करनी है, अलॉटमेंट के पैसे भी आ गए, अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करनी है, पर उसमें भी प्रीमियम है। तो यहाँ आएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है जी, 10,000। और यहाँ से अगर आप देखो तो कितने का है, ये 50 रुपये का कैपिटल का पैसा, और 10 रुपये किसका है, प्रीमियम का। तो 10,000 × 50 यहाँ आएगा, और 10,000 × 10 यहाँ आएगा। तो अगेन ये बन गया आपका 5,00,000 का, सैकड़ा हज़ार दे हज़ार लाख 5,00,000, और ये आ गया 1,00,000 का, और टोटल कितना हो गया, 6,00,000 रुपया। अब ये 6,00,000 रुपया हमारा बैंक में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है। बींग शेयर फर्स्ट कॉल मनी बिकम्स ड्यू, उसके बाद क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये 6,00,000 रुपया हमारे पास आ जाएगा, ये 6,00,000 रुपया हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, ठीक है जी, अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन उसके लिए मेरे को छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, पहले तो कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए पहले मैं बैंक अकाउंट बना लेता हूँ, बैंक अकाउंट में यहाँ लिख लेते हैं जल्दी सा, हालांकि ये मांगा नहीं है, ये वर्किंग नोट का ही पार्ट रहेगा, क्योंकि इसके बिना फिर हमें आइटम्स सारी उठानी वहाँ से मुश्किल हो जाएंगी, क्रॉस चेक भी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे पहले शेयर एप्लीकेशन का पैसा कितना आया, वो मैं वहाँ से यहाँ से देख के जनरल से देख के पोस्टिंग करता जा रहा हूँ। तो ये पैसा मेरे पास आया था 2,30,000 का, और बाय शेयर एप्लीकेशन करके हमने रिफंड कितना करा था, 80,000 का, रिफंड कितना करा था, 80,000 का। एंड टू शेयर अलॉटमेंट पे कितना आया था, शेयर अलॉटमेंट पे कितना आया था हमारे पास पैसा, 4,50,000 रुपया, 4,50,000 रुपया। और उसके बाद हमारे पास इधर कितना आया, फर्स्ट कॉल का टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसको हमने टोटल कर लेना है, ये हमारा आया 6,00,000 का, ये कितना आया बेटे, 6,00,000 का। तो अब ये इसका टोटल करो, 230 जमा 450 जमा 600, ये बन गया 12,80,000। 12,80,000 में से 80,000 चला गया, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन ये आ गया 12,80,000। तो ये आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, ये तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। नीचे बैलेंस शीट का यदि टोटल देखो तो वो भी 12,00,000 ही बता रहा है, तो इसका मतलब हमारा जर्नल का सारा काम ठीक है। अब यहाँ पे हमें शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है,
शेयर कैपिटल अकाउंट में पहले क्या आएगा, बाय शेयर एप्लीकेशन से पैसा आएगा ना, हाँ बाय शेयर एप्लीकेशन का पैसा वो कितना है 1,00,000 रुपया, और उसके बाद बाय शेयर अलॉटमेंट का पैसा, शेयर अल॑ॉटमेंट का पैसा कितना है 4,00,000 रुपया, ठीक है जी। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से कितना आया था 5,00,000 रुपया। कैपिटल का पैसा तो इतना ही है ना, तो ये बन गया 9 और 10, ये कितना बन गया 10,00,000 का, ये कितना बन गया 10,00,000 का। तो आपके माइंड में अभी शायद ये चल रहा होगा कि सर बैलेंस शीट तो टैली कैसे होगी, क्योंकि ये 10,00,000 है और ये 12,00,000 है बैंक में बैलेंस कैरीड ऑन। बट बचे सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो था ना, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो कहाँ से आया था, बाय शेयर अलॉटमेंट से 1,00,000 रुपया और बाय शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से 1,00,000 रुपया, और ये बैलेंस कितना आ गया 2,00,000 रुपये का, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है जी। ये कितना आ गया 2,00,000 रुपया, ये कितना आ गया 2,00,000 रुपया। तो अब ये वाला 10,00,000 रुपया और ये वाला 2,00,000 कहाँ मैच हो गया ना, 12,00,000 इस 12,00,000 के साथ, ठीक है। अब हम इसे बैलेंस शीट में पुट इन कर देंगे। चलिए आ जाइए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में भी बहुत ईजी है, ये देखो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में यहाँ लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट इन रुपीज, ठीक है जी, अमाउंट इन रुपीज, और ये आएगा नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आएगा पहले आपको पता है क्या आता है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ठीक है जी। उसके अंडर आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके बाद पहले में आएगा शेयर कैपिटल, दूसरा क्या आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसमें क्या आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे नोट बनेगा, तो ये टोटल आ जाएगा यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे टोटल। और यहाँ पे दूसरा क्या आएगा एसेट्स, एसेट्स में सिर्फ मैं करंट एसेट्स ही लिख रहा हूँ, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आप क्या लिखोगे, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसके अंडर क्या आएगा बैंक का बैलेंस। ये 3 नंबर का नोट बन जाएगा और यहाँ टोटल आ जाएगा। अब आ जाओ हम बनाते हैं इसका बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में यदि बच्चे आप देखो तो बैलेंस शीट में क्या गिवन है हमें, बैलेंस शीट में इशूड कैपिटल से गिवन है, तो ऑथोराइज की डिटेल नहीं है। तो ऑथो पहले यहाँ पे लिख लो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, तो ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड कैपिटल हमें गिवन नहीं है, हम एज्यूम नहीं कर सकते कि ये 1,00,000 ही है, उसने इशूड बोला ना वहाँ पे, तो यहाँ पे लिखने के बाद डैश करके हम यहाँ इसको ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितनी है 1,00,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, तो ये आ गया 10,00,000 का, ठीक है जी। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और इसके अंडर हेड आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, ओके जी। तो ये आएगा अगेन 1,00,000 इक्विटी शेयर, क्योंकि सारे पैसे आ गए हैं ₹100 करके, ये 10,00,000 रुपया यहाँ आ जाएगा, और ये वाला 10,00,000 बेटा यहाँ पे ऊपर आएगा, ठीक है जी, 10,00,000 का। अब हमें क्या बनाना है, दूसरा नोट टू अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और वो हमारा कितना है 2,00,000 रुपये का, तो वो 2,00,000 रुपया हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी। और ये लाइबिलिटी साइड कितनी बन गई आपकी 12,00,000 की, लाइबिलिटी साइड कितनी बन गई बच्चे 12,00,000 की बन गई ना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाओ आप, यहाँ क्या आएगा बैंक का बैलेंस, तो बैंक का बैलेंस तो आपको पता ही है कितना है, 12,00,000 गिवन है, 12,00,000 गिवन है ना, तो ये बैंक का बैलेंस आप यहाँ लिखोगे 12,00,000 का, ओके जी।
बेटा समझ लग गया आपको, ठीक है जी। तो ये बन गया आपकी बैलेंस शीट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली मैंने ये क्वेश्चन किया है बिना रुके, ठीक है, तब भी मुझे 20 मिनट लग गए हैं। आप देख रहे हो कि 20 मिनट हो गए हैं इस क्वेश्चन को करते हुए। तो आपको भी कंसिस्टेंटली इसी तरीके से करके ये क्वेश्चन इतने टाइम के अंदर ख़त्म करना है। तो आई विश कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ रहे हैं ये, ठीक है, और आप अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस करिए। ओके जी, डन।